खुश रहो बिटिया। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस जर्नल एंट्री विच विल बी यूज्ड इन ब्रांच अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंट्रीज विच विल बी यूज्ड इन ब्रांच अकाउंटिंग, हमें यहाँ जो भी एंट्रीज करनी है वो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करते हुए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। फर्स्ट एंट्री है फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। सेकेंड एंट्री है फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटी, ब्रांच लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। थर्ड है फॉर गुड्स सेंड बाय हेडक्वार्टर टू ब्रांच। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस के पास से गुड्स जा रहा है जबकि ब्रांच को रिसीव हो रहा है, तो रूल होता है अकाउंटिंग का डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, ब्रांच। और यहाँ पे एक रूल और एप्लीकेबल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो यहाँ पे हेड ऑफिस के पास से गुड्स जा रहा है तो यहाँ पे गुड्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स भेजा है वो उसे वापस रिटर्न कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रांच को गुड्स रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। तो यह गिवर कौन है, ब्रांच, तो ब्रांच क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो यहाँ पे हेड ऑफिस के पास में गुड आ रहा है, कौन सा गुड्स आ रहा है, जो हमने ब्रांच को सेंड किया था। तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज एक्सपेंसेज इंकर्ड बाय हेड ऑफिस। बेसिकली हमने ये देखा था डिपेंडेंट ब्रांच के केस में कि डिपेंडेंट ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेज है उनका पेमेंट हेड ऑफिस करेगी, और हम यहाँ पे जो एंट्रीज देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि सारी की सारी एंट्री हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो यहाँ पे हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश तो हो गया क्रेडिट। अब यहाँ पे रूल एप्लीकेबल होता है, एक्सपेंसेज ऑलवेज डेबिटेड, इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेज क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेंट बाय ब्रांच। नाउ अब यहां पे आप देखिए ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश सेंड किया है तो यहाँ पे हेड ऑफिस को कैश मिल रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश क्या हो गया, डेबिट। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ब्रांच क्या है, गिवर, तो ब्रांच क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपके, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब यहाँ पे हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश सेंड किया है तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, ब्रांच, तो डेबिट द रिसीवर। और हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। बेसिकली ब्रांच को जब हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है तो ब्रांच उसको सेल करता है और एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रांच के पास में कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाता है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को हेड ऑफिस अपनी एंट्रीज में ले रहा है, अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में ले रहा है। तो एंट्री क्या करेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स इन ट्रांजिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को सेंड कर दिया है बट वो ऑन द वे है और एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट वो अभी तक ऑन द वे है और अभी तक ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ है। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री क्या होती है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ट्रांसफर ऑफ ब्रांच प्रॉफिट टू पी एंड एल अकाउंट। अब ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। और जब हम लॉस ट्रांसफर करेंगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट एंट्री बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हमने जो जर्नल एंट्रीज की है उसी में लेजर पोस्टिंग के थ्रू हमने यहाँ पे ब्रांच का अकाउंट बनाया है। तो डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स, पेटी कैश बैलेंस, गुड सेंड टू ब्रांच, टू ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस, टू कैश सेंड टू ब्रांच और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पी एंड एल अकाउंट। जबकि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, गुड्स रिटर्न एट ब्रांच, बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर, बाय क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एंड बाय लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द नेट प्रॉफिट और लॉस, ओपनिंग स्टॉक 30,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000, कैश सेल 1,20,000, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस 10,000 एंड 4,000, क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी फाइंड आउट बट इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%, द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन द प्रॉफिट ऑफ ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ
वी प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट, तो हमने जब ब्रांच अकाउंट देखा था तो हमने डेबिट साइड में सबसे पहले देखा था कि हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे दे रखी है गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो यहाँ पे हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं वो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो हमने एंट्री की थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। यहाँ हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, किसका अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच का, तो ब्रांच एंट्रीज में क्या हो रही है, डेबिट, तो डेबिट साइड में आके हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000। इसके बाद में है कैश सेल जो दे रखी है आपको 1,20,000। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो हर डे का जो कैश है वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर करती है, तो अगर यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो हेड ऑफिस के पास में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, गिवर कौन है, ब्रांच, तो क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आके हम क्या लिख देंगे, बाय कैश 1,20,000। इसके बाद आपको दो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, तो बेसिकली एक्सपेंसेस बियर कौन करता है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और बेसिकली एक्सपेंसेस है किसके, ब्रांच के, तो ब्रांच यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कितने हैं टोटल एक्सपेंसेस, 14,000। अब यहाँ पे हमें दो एडजस्टमेंट करने, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का और एक मैनेजर कमीशन का। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं है, पर उसने यहाँ पे एक हिंट दिया है कि आप जो भी स्टॉक सेल करते हो वो 20% प्रॉफिट पे करते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में टोटल स्टॉक अवेलेबल था कितना, ओपनिंग स्टॉक था 30,000 का और परचेज थी 90,000 की, इसका मतलब टोटल हमारे पास में स्टॉक कितने का था, 1,20,000। इसमें से मैंने कुछ स्टॉक सेल कर दिया और कितने में सेल किया, 1,20,000 में। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब इस 1,20,000 में प्रॉफिट का पार्ट भी इंक्लूड है। अगर इस प्रॉफिट को मैं सेल्स में से लेस कर दूं तो पीछे बैलेंस किसका बचेगा, आपके कॉस्ट का। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट इज 20, देन सेल प्राइस विल बी 120, तो 1,20,000 किसके इक्वल है, 120 के, मुझे किसके इक्वल लाना है, कॉस्ट के, मींस 100 के, तो 100 के इक्वल कितना होगा, 1 लाख। तो यहाँ पे आपके क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 20,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 20,000। इसके बाद में हमें मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड की टोटल करते तो आता है 1,40,000 और डेबिट साइड की टोटल करते तो आता है आपके अमाउंट 1,34,000, तो आपके जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 6,000, 6,000 का 5% कमीशन देना है 300, तो मैनेजर कमीशन आपके लिए एक्सपेंसिज है तो डेबिट साइड में आ गया 300। इसके बाद में जो नेट प्रॉफिट बचा है वो क्या पे ट्रांसफर कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,700। सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, एंड आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट।